तो कैसे हो आप सब। तो एक बार फिर मैं आ गया हूँ आपका दोस्त साइकिलिस्ट संजू एक नई वीडियो के साथ। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक मस्त सी वीडियो यार। और उससे पहले पूछ लेते हैं आप सब कैसे हो। आई होप बढ़िया होने वाले हो, सब मस्त कर रहे हो, मस्ती कर रहे हो। देखो ठीक है, फंबल हो रहा हूँ, काफ़ी दिनों में वीडियो बना रहा हूँ। तो आज भाई हम ओनरशिप रिव्यू करने वाले हैं एक ट्रैक का, और मैं दिखा देता हूँ आपको साइकिल कौन सी है और फिर मिलवाता हूँ आपके साथ कि वो। नाम भाई? मेरा नाम है संदीप। ओके। Also known as AKA Travel on Plastic। ओके। तो भाई ये Travel on Plastic का कैसे बना आपका, मतलब क्या इसके पीछे राज क्या है? राज ये है कि पहले मैं घूमता हूँ। ओके। तो मैं सोचा एक नाम, एक अच्छा नाम होना चाहिए। हाँ। तो अपने Instagram के लिए मैंने Travel on Plastic किया, क्योंकि मैं प्लास्टिक कार्ड से यूज करता हूँ। ओके। तो प्लास्टिक इज द फॉर्म ऑफ मनी, मैं वही Travel on Plastic मैंने कर दिया है। ओके, सो आप कैश कैरी नहीं करते हो? कैश आज भी मेरे पास कैश नहीं है। चलो कोई अगर इनको देख रहा था इनको कोई रोकना मत, इनके पास कैश नहीं है कभी भी। कार्ड ही होता है सिर्फ। हाँ देखो कार्ड से पेमेंट आजकल कौन ही लेता है, तो ठीक है। तो चलो बात कर लेते हैं इनकी साइकिल के बारे में। तो इनके पास है ट्रैक Imonda ALR5। इसका मतलब भाई Imonda ALR5 का हमारी ट्रैक की Imonda सीरीज है। ओके। जिसमें ALR5 एल्युमिनियम फ्रेम है ये। ओके। फाइव एक कैटेगरी होगी, फाइव से हाँ ठीक है, लाइक ये सीरीज कह सकते हैं हम इसके बारे में। ये Imonda ALR5। ओके। 300 अल्फा गोल्ड सीरीज एल्युमिनियम फ्रेम है इसका। ओके। सुपर लाइट 9 kg। यार देखो ये होती हैं साइकिलें जिनमें वेट ही नहीं होता है, मतलब क्या ही कर सकते हैं यार। एक हमारी वो रूबी है खा के इतनी मोटी हो गई है कि देखो ऐसा बोलना नहीं चाहिए, बट ठीक है यार मेरी है उसकी बॉडी जिसकी कम है। ओके तो चलो इसके बारे में बात करते हैं। तो भाई इसमें क्या लगा, क्या हुआ, ग्रुप सेट क्या है इसमें? इसका है फुल बोनोफाई। ओके। शिमानो बोनोफाई पूरा ग्रुप सेट है। ओके। विद हाइड्रोलिक ब्रेक्स। इसमें हाइड्रोलिक ब्रेक्स है? हाँ इसमें हाइड्रोलिक ब्रेक्स है फ्रंट एंड बैक। वाह यार, मतलब फुल बोनोफाई पूरा। तो देख सकते हो आप कि इसके ब्रेक से लेके इसके गियर से लेके सब कुछ इसमें 105 का लगा हुआ है। प्रॉपर 105 पूरा। यार मतलब है कुछ चीज है लगता है कि, और रोड बाइक के अंदर हाइड्रोलिक्स कौन ही देता है, बट पता नहीं इनकी। तो भाई मेरे को एक और चीज इसमें अच्छी दिखी है, मैं आपको बताता हूँ। देखो इन्होंने ना GoPro के स्टिकर लगाए हुए हैं। तो भाई इसके पीछे क्या राज है, आप GoPro वगैरह यूज करते हो? हाँ GoPro तो यूज करता हूँ मैं। ओके। बट इसको लगाने का ये था, प्रमोट नहीं कर रहा मैं इसको, स्पॉन्सर नहीं है। स्पॉन्सर नहीं है GoPro प्लीज। बट इसके पीछे ये है कि यहाँ पे स्क्रैच लगे थे मेरे। ओके। तो उसको किसी तरीके से छुपाना था मेरे को। हाँ। क्योंकि ये एल्युमिनियम पूरा फ्रेम दिख रहा था। हाँ हाँ हाँ। तो मेरे पास ये स्टिकर पड़ा होता, काफी अच्छी क्वालिटी है, तो मैंने लगा दिया इस पे। लुक भी अच्छा लग रहा था। हाँ देखो यार कितना प्रीमियम लग रहा है, लाइक देखो अगर कोई देखे ना कोई कह नहीं सकता कि यहाँ पे स्क्रैच हो सकता है, काफी प्रीमियम लुक आ रही है इसकी। पोजीशन भी इतनी अच्छी कि हाँ विजिबल है दूर से ना, अच्छे से दिखता है। तो इसी के साथ देखो यार इसमें पूरा 105 तो लगा ही हुआ है, और यार ये स्टिकरिंग काफ़ी अच्छी है। बाकी हाँ एक चीज़ और देखी, देखो इन्होंने ना यहाँ भी स्टिकर्स लगाए हुए हैं, एक ही आगे एक इधर साइड में टेप है पूरी। ओके। तो यहाँ पे ना ये रब काफ़ी होता है, आप देख सकते हो यहाँ पे कितना रब हो रहा है। अब बिल्कुल मैंने प्लास्टिक लगा के नहीं दिया यहाँ पे। ओके। तो आपने अपना प्लास्टिक लगा लिया फ्रेम को थोड़ा स्क्रैचेस से बचाने के लिए। हाँ यार देखो जब हम इतनी अच्छी बाइक लेते हैं ना तो उस पर स्क्रैचेस हम देख ही नहीं सकते हैं, वो सीधा हमारे दिल पे लगते हैं। मतलब मेरी फैट बाइक पे अगर हल्का सा स्क्रैच लग जाए तो वो भी दिल पे लगता है, ये तो फिर भी देखो रोड बाइक है, तो इसका स्क्रैच तो दिल के अंदर वाले कोने पे लगता होगा, मान सकते हैं। तो भाई इसकी कोई डीमेरिट्स बताओ अगर हैं तो? अब ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा, बट मेरे को अपने इंडियन रोड्स के हिसाब से टायर इसके बहुत पतले हैं। कंपनी को थोड़ा एक ऑप्शन देना चाहिए था थोड़े चौड़े टायर वाला। हाँ हाँ। इसमें अभी 25 मिलीमीटर के हैं। ओके। जो कि मेरे को कम लगते हैं काफ़ी। अच्छा।
गड्ढों से या तो पूरी स्मूथ मक्खन रोड हो, कोई दिक्कत नहीं है, तो बेस्ट है। बट इंडिया में ऐसा तो नहीं मिलेगा हर जगह, बहुत रेयर चांसेस है। अपने गुड़गांव की रोड्स के लिए थोड़ी सी चाहिए। नहीं बट भाई जितना आई थिंक पतला टायर होगा उतनी स्पीड अच्छी आती है, एंड आई थिंक रोड बाइक से लेते ही इसलिए हम उसकी स्पीड अच्छी आए आती है, बट इंडिया में थोड़ा कम है रोड्स ऐसी। हाँ देखो ये है, गुड़गांव में थोड़ा सा टेरेन कई जगह नहीं मिलता है, लाइक हमारे गुड़गांव में एक छोटा सा पैच है GCR गोल्फ कोर्स रोड, वहाँ पे हमें थोड़ा अच्छा टेरेन मिल जाता है, बट वैसे तो। चलो भाई इसमें एक चीज़ बताता हूँ यार, देखो ये कुछ अलग दिखा मुझे, ये एपिडूरा का कुछ है क्या भाई, ये बताना चाहोगे? ये है अपना टैंक ट्यूब, अपना बोल सकते हो कि ओके, ये बैग है, ये बैग अपना स्टोरेज के लिए, स्टोरेज बैग है ये अपना, ये टॉप ट्यूब बैग है, स्नैक्स के लिए हो सकता है। हाँ मैग्नेटिक है, जल्दी से करके एंड देन जल्दी है यार, मतलब लाइक करने की जरूरत नहीं है। ओके ये मैंने स्पेशली मंगवाया था, कहाँ से? यहाँ पे मिला नहीं था, मेरे को ऐसी चाहिए था। हाँ दिस इज वाटर प्रूफ फुली, ओके, इसको मैंने टेस्ट कर रखा है पानी डाल के ऊपर से। ओ भाई देखो हम एक्सेसरीज की बात कर रहे थे, ये बैग लगा हुआ है टॉप ट्यूब बैग, फिर ये एक मीटर लगा हुआ है वाहू का, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये लगा हुआ है एक टेल बैग और ये लाइट लगी हुई है, तो ये यार काफ़ी मस्त है चीज़ें ना, तो इनका फ़ायदा बता देते क्या है। ये देखो लाइट हमारी विजिबिलिटी के लिए काफ़ी ज़रूरी है, देन वी हैव अ टेल बैग, तो इसमें हम क्या रखते हैं भाई? ये है सबसे मैंडेटरी, इसके बिना हमें बाहर नहीं निकलते। हाँ बेसिकली आई थिंक इसमें पंचर वगैरह का सामान रखते होंगे। हाँ ये जरूरी है यार, क्योंकि होता क्या है ना कि जब हम बाहर निकलते हैं तो हमारी साइकिल कोई टच ही नहीं करता, कहते हैं कि नहीं हम नहीं टच करेंगे, या अगर कोई गलती से टच भी कर लेता है दे विल आस्क फॉर द लाइक, बहुत ज़्यादा ही पैसे मांग लेते हैं जो। टायर्स अपने निकल जाते हैं। हाँ थ्रू एक्सल है। ओके अपने इसके साथ। हाँ हाँ कोई टूल्स की जरूरत नहीं है। वाह फिर इसके बाद अगर ज़्यादा पंचर है तो ट्यूब चेंज कर दो, नहीं तो जस्ट रिपेयर विद द पंचर। हाँ ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। और पंप है नहीं मेरे पास, क्योंकि मेरे पास CO2 कैनिस्टर है। ओके तो इसलिए मैं आप दिखाना चाहोगे यार, ये कुछ नया सुना मैंने ना, ये थोड़ा सा दिखाओ आप। ये अपना CO2 कैनिस्टर होता है, ये ऐसा कुछ है, इसके साथ आगे ये बल्ब होता है। हाँ इसको लगा के एंड देन एक टायर एक 90 PSI दे देता है पूरा। ओके 80-90 PSI, इसमें पंप नहीं चाहिए हमें? पंप नहीं चाहिए। वाह इसका यही है कि वन टाइम यूज होंगे। ओके एक ही बार यूज कर सकते हैं इसको। ओके इसके बाद ये वेस्ट है। चलो कोई नहीं, बट वही है कि इमरजेंसी यूज में तो बहुत अच्छे से काम आने वाला है ये। इसी के साथ भाई ये मीटर बताना चाहोगे इसके बारे में? थोड़ा सा अच्छा लग रहा है ये, कुछ बताओ इसके बारे में। ये है हमारा वाहू का एलिमेंट बोल्ट, देखो ये ऐसे डिटैच हो जाता है, दिखाओगे भाई? तो ऐसा कुछ मीटर है ये, देखो आप दिख जाए यार। हाँ तो इसमें काफ़ी कुछ है, तो अभी ये राइड वगैरह पॉज अभी तो हमने राइड पॉज कर रखी है, तो इससे क्या होता है भाई? ये अभी ऑटो पॉज हुआ है। ओके इससे क्या होता है? इससे अब पेज चेंज होता है, ये लो जी अभी ये सबसे फर्स्ट पेज है। हाँ तो इसमें इसने सब कुछ बता दिया, टाइम टोटल डिस्टेंस जो भी सेंसर कनेक्टेड है वो सारा शो करेगा। फिर अब नेक्स्ट पेज पे आते हैं ग्रेडियंट, कि कितनी हाइट पे चढ़ रहे हो, हाँ मतलब कितने एंगल पे, कितने एंगल पे, कितनी हाइट पे किए है वो ये दिखाते हैं। ओके और उसके बाद भाई देखो ये सबसे अच्छी चीज लगी इसमें कि GPS भी इसके अंदर ही है, हमें फोन वगैरह कुछ लगाना ही नहीं पड़ेगा। नहीं, इसमें सेट कर सकते हो, डाल सकते हो पूरा रूट बना के। तो ये मैप किससे कनेक्ट होता है? एप्लीकेशन है कोई? हाँ इसकी वाहू की एप्लीकेशन है। ओके वो आपके फोन में होनी चाहिए। हाँ अब उस एप्लीकेशन से आप या तो स्ट्रावा से कनेक्ट करो, राइड विद GPS है काफी अच्छा है, फ्री ऐप है। ओके फ्री रूट बना सकते हो। हाँ विदाउट कॉस्ट, स्ट्रावा में पेड होता है वो। ओके तो एक ये है, चलो ये भी काफी अच्छी चीज है, डाल के यू कैन अपलोड इसमें। हाँ हाँ उसके बाद जस्ट प्ले। वाह ये काफी अच्छी चीज लगी मुझे, तो यार ये होना चाहिए। बाकी हाँ होता क्या है ना, हम फोन वगैरह जब माउंट करते हैं वो थोड़ा सा रिस्की होता है आजकल NCR में, क्या है ना कि काफ़ी ज़्यादा स्नैचिंग होती है फ़ोन्स की, और साइक्लिस्ट के साथ होता है, एंड देन वो धूप में हीट भी करेगा। हाँ फ़ोन काफ़ी इश्यूज भी क्रिएट कर देता है कभी कभी ना, कि हीट हो जाता है या बैटरी डाउन हो जाती है, तो ये तो इसकी बैटरी कितनी चल जाती है भाई? इसका मतलब एक दिन आराम से निकल देगा, अगर टाइम की बात करें तो 6 to 7 hours ओके कंटिन्यूस कर देगा, बट अगर GPS यूज कर रहे हो डायरेक्शन वाला, हाँ तो उसमें ज़्यादा ले। ओके चलो ये यूज़ में ठीक है। चलो भाई तो इसके बारे में और हम बात कर सकते हैं कि एक ओवरऑल बता देता हूँ मैं इसके बारे में,
ये पूरी साइकिल 105 के साथ है। 105 के ब्रेक्स मिल जाते हैं, शिफ्टर्स मिल जाते हैं, देन 105 का ही आपको ब्रेक सेट मिल जाता है आपको पूरा। देन जो आपका पूरा ड्राइव टेरेन है वो भी पूरा 105 मिल जाता है। देखो ये पूरा का पूरा कंप्लीट 105 है। तो अगर आप ये देखते हो, मैं दिखा देता हूँ, ये कंप्लीट शिमानो का 105 इसमें लगा हुआ है। ये काफ़ी मस्ट है। और आई थिंक आप भाई इसका कुछ बताना चाहोगे, प्राइस क्या है? इसका प्राइस है 1.8 लाख विद एसेसरीज। नहीं, ओके, तो विदाउट एसेसरीज। ये ठीक अलग है। है, दिस हाँ इज फॉर अगेन 24,000 बाबू, ओके ओके। दिस इज अगेन फॉर 8,000 विद इम्पोर्ट ड्यूटी। अब ये मेरे ख्याल से 1,500 की है लाइट, हाँ एंड दिस ऑलमोस्ट कॉस्ट 1,000-2,000 ओके। पूरा। सो ओवरऑल इन केस अगर देखें देन अराउंड अराउंड 2 के आसपास की है दो ये। दो प्लस है, दो तो प्लस भाई इजीली जा सकती है, इससे भी ऊपर जा सकती है, डिपेंड करता है आप पे हाँ, कितने अच्छे बेसिकली ड्राइवर हैं। देखो एसेसरीज हैं वो, आप जितनी लगाना चाहो उतनी लगाओ, कॉस्ट बिल्कुल, उतनी बढ़ती जाएगी। बट मेरे को चाहिए थी सुपर लाइट, ओके तो तो ये एल्युमिनियम फ्रेम में सबसे हल्की है। कितना वेट है भाई इसका? टोटल इसका इन टोटल है 9 kg, टोटल टोटल 9 kg 9 kg, विदाउट एसेसरीज? हाँ विदाउट एसेसरीज। ओके एसेसरीज भी ज़्यादा भारी नहीं है, तो मैं 9.2 9.3 मैक्सिमम यार निकाल लूँगा। देखो सही बताऊँ ना, जितनी वेट की साइकिल है इतना वेट मेरे साइकिल के बस टायर्स में है, तो मुझे पता है वेट क्या ही होता है। तो चलो यार इसी के साथ ख़त्म करते हैं इस वीडियो को। और हाँ, आप संदीप भाई को फॉलो कर सकते हो ट्रैवल ट्रैवल ऑन प्लास्टिक, प्लास्टिक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे भी हो भाई? हाँ नहीं यूट्यूब अभी नहीं है फिलहाल, ओके, तो आप इंस्टाग्राम पे आप इनको फॉलो कर सकते हो, स्ट्रावा पे फॉलो कर सकते ट्रैवल हो। प्लास्टिक। तो इसी के साथ ये पूरी वीडियो थी हमारी ट्रैक इमोंडा AL R5 के साथ। तो इसी के साथ करते हैं इस वीडियो को ख़त्म। और ये है हमारे संदीप भाई। तो संदीप भाई काफ़ी अच्छा लगा आपसे मिलके। देखो आपसे ज्यादा मिलकर अच्छा लगा मेरे को। यार अच्छा ही लगता है अगर आप देखो साइकिलिस्ट से मिलते हो ना, तो आपको काफ़ी अच्छा लगता है, कुछ नया सीखने को मिलता एक है। बताने को भी मिला कि किसी को अगर इस समवन इज इंटरेस्टेड इन दिस हाँ पर्टिकुलर बाइक, तो वो देख सकता है कि क्या है ये चीज। बिल्कुल, मतलब कई बार क्या होता है ना, हम यूट्यूब पे सर्च तो कर लेते हैं कि हमें कोई बाइक लेनी है, तो उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिले, बट कभी कभी नहीं मिलती है। तो मैंने थोड़ा सा सोचा है कि ऐसा कुछ करूं कि ऑलमोस्ट जितनी बाइक्स मैं कर सकूं उन सब बाइक के बारे में मैं कुछ ना कुछ तो बताऊं, उनका रिव्यू, ओनरशिप रिव्यू दूं, दिलवाऊं, मतलब दूं तो क्या, मेरी तो है नहीं, तो उनका ओनरशिप रिव्यू दिलवाऊं, जिससे क्या होगा कि अगर कोई लेना भी चाहता है तो उसका थोड़ा सा डाउट क्लियर हो जाएगा डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अगर कोई डाउट्स हैं कि उसके अंदर क्या होता है, कोई इश्यूज़ आ रहे हैं नहीं आ रहे या कुछ भी है। तो इसी के साथ करते हैं इस वीडियो को एंड, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। एक के लिए बाय बाय, टेक केयर, साइकिल चलाते रहो, खुश रहो यार, फिट भी रहो और गर्मी से बचे रहो, काफ़ी गर्मी बढ़ रही है। और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, बाय बाय।